गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास सेवेंथ में जैसा कि मैं आपको इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताया है और पार्ट्स ऑफ स्पीच के भाग कितने होते हैं उनको भी बताया, ठीक है। तो उसमें से जो आठों है, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एग्जेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ठीक है, तो इसमें से एक एक करके अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने इसके पहले वाले वीडियो में नाउन बताया था, नाउन नाउन की डेफिनेशन बताया और जो नाउन के पांच, मतलब नाउन जो पांच प्रकार का होता है उनका भी नाम और उनकी हिंदी हिंदी बताया था, ठीक है। तो अब मैं आज टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में बताऊंगा, यानी कि जो नाउन के प्रकार होते हैं पांच, जैसे प्रॉपर हो गया और कॉमन नाउन है, ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट है, मटेरियल है, कलेक्टिव है, पांच होते हैं। तो उन पांचों में से मैंने इस वीडियो में, क्योंकि आपका वीडियो ज्यादा बड़ा होगा तो दिक्कत होगा ना, तो इसलिए मैं उनमें से दो नाम आज लिया हूँ इस वीडियो में, दो चीज दो को मैं आज बताऊंगा। तो जैसे काइंड्स ऑफ नाउन में पहला है प्रॉपर नाउन, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन के बारे में आप जानिए कि प्रॉपर नाउन होता क्या है। इसकी देखिए हिंदी होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन का हिंदी क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब इसकी डिफिनेशन देखिए, देखिए लिखा है द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन, ठीक है, यानी कि पार्टिकुलर पर्सन का मतलब क्या होता है? व्यक्ति, ठीक है, खास व्यक्ति, प्लेस मीन्स स्थान, आर माने या, थिंग माने वस्तु, इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन, यानी कि वह क्या पुकारा जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा पुकारा जाता है, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा वह संज्ञा होता है जिसमें खास व्यक्ति, खास स्थान या खास वस्तु को बताया जाए वह क्या कहलाएगा? वह प्रॉपर नाउन कहलाता है, ठीक है, वह क्या कहलाता है? प्रॉपर नाउन कहलाता है, ठीक। तो प्रॉपर नाउन का मतलब देखिए, एक चीज और याद रखना है आपको प्रॉपर नाउन के बारे में, कि जो प्रॉपर नाउन होता है वह हमेशा क्या होता है? वह हमेशा सिंगुलर होता है, मतलब एक वचन में होता है, जैसे मतलब एक वचन में होगा, जैसे लखनऊ लिखा है ना, तो लखनऊ एक स्थान का नाम है, यानी कि सिर्फ एक ही स्थान को, मतलब जिसका जिस स्थान का नाम लखनऊ रख दिया जाए तो बस लखनऊ के नाम से हम उसी स्थान को जानेंगे, यानी कि दूसरे को हम नहीं जान सकते, ठीक है। अब देखिए जैसे राम है, किसी खास व्यक्ति का नाम अगर राम है तो उनको राम से ही हम जानेंगे, आप जैसे आप उनको बुलाना है तो आप राम कहेंगे तो बोलेंगे, दूसरा राम कहेंगे तो नहीं बोलेगा, यानी कि उस व्यक्ति की जानकारी मतलब राम से ही होगी, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, ठीक है, तो उसको भी हम क्या करेंगे? प्रॉपर नाउन में बताएंगे। अब देखिए, तो इस तरह आपने प्रॉपर नाउन के बारे में जाना कि कोई खास व्यक्ति का नाम हो, कोई स्थान का नाम हो या कोई वस्तु का नाम हो तो वह प्रॉपर नाउन होता है, ठीक है। अब देखिए दूसरा है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का हिंदी क्या होता है? जातिवाचक, यानी कि जातिवाचक संज्ञा का मतलब यह होता है कि जो पूरे जाति का बोध कराता है, ठीक है, जो पूरे जाति का बोध कराते हैं, जैसे इसकी डिफिनेशन देखिए, द वर्ड विच इज यूज, द वर्ड माने शब्द, विच माने जो, इज यूज माने प्रयोग किया जाता है, एज द कॉमन नाउन, यानी कि जातिवाचक संज्ञा जैसा आप पर्संस, ठीक है, प्लेस आर थिंग्स आर सेम काइंड आर क्लास इज कॉल्ड कॉमन नाउन, ठीक है, यानी कि ऐसा शब्द हो जो पूरे जाति का क्या करे, बोध करा दे, वह क्या कहलाता है? वह कॉमन नाउन कहलाता है। जैसे देखिए सिटी, सिटी माने क्या होता है? शहर। जैसे अगर किसी शहर का नाम होगा, जैसे मुंबई होगा, दिल्ली होगा, कलकत्ता, तो वो प्रॉपर नाम होगा, क्योंकि जैसे मुंबई को आप जैसे एक स्थान का नाम है, पहचान है, तो आप मुंबई के नाम से जानेंगे, ठीक, दिल्ली को दिल्ली के नाम से जानेंगे, ये सब प्रॉपर नाम होगा। लेकिन अगर सिटी की बात करें, सिटी में पूरा जो शहर का पूरा जात है पूरा आ जाएगा, ठीक है, यानी कि इसके अंतर्गत किसी भी शहर का नाम हम जान सकते हैं। तो ये जो सिटी वर्ड है ये क्या हुआ? ये कॉमन नाम है, ठीक है, जिसे बॉय, बॉय का मतलब लड़का, ठीक है, तो ये पूरा लड़के जाति का बोध हो रहा है। जैसे कोई लड़का का नाम राम है, श्याम है, घनश्याम है, तो आप देखो राम को बुलाएंगे तो राम आएंगे, श्याम आएंगे, मतलब श्याम को बुलाएंगे तो घनश्याम को बुलाएंगे, घनश्याम आएंगे, तो वो एक एक नाम क्या है? प्रॉपर नाम है। लेकिन सिर्फ अगर हम बॉय कहें, जैसे कॉलेज में पढ़ते हैं तो कहें हम लड़कों, लड़के कहें या बॉयज कहें, तो ये पूरे लड़के को इंगित करेगा। अगर उसमें से हम किसी एक का नाम ले लो, जिसका नाम ले लो, तो वहां पे राम क्या हो गया? प्रॉपर नाम।
लेकिन यहाँ पे जो वाय है यह गावन नाम को इंगित करेगा, ठीक है। अब देखिए जैसे गाव है, डाव माने कुत्ता, यानी कि कुत्ते की बिरादरी का पूरा यह अर्थ आता है, तो डाव हो गया, कैट हो गया, इफाइन हो गया, ठीक है, वुमेन हो गया, मैन हो गया, तो ये सब चीजें गावन नाम के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इस तरह से आज आपने इस वीडियो में प्रॉपर नाम और कॉमन नाम के बारे में जाना। अब इसके आगे आप